हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुक विद एजीआर में। आज मैं बहुत टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता बनाऊंगी। इसके लिए ना तो मुझे इनो चाहिए, ना ही दही, ना सोडा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरा पानी ले लिया है। पानी में नींबू को निचोड़ लूंगी। एक नींबू का रस इसमें डाल लूंगी। अच्छे से नींबू को छान लेना है ताकि इसके जो बीज है उसमें ना जाए। मैं जिस कटोरे से माफ यहाँ पे पानी ली थी उसी कटोरी से मैं आपके यहाँ पे सूजी ले रही हूँ। एक कटोरा मैंने सूजी लिया है। अब ये नींबू वाले पानी को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नींबू वाले पानी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैं नींबू सोडा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है तो बहुत ही अच्छे से हमारा नाश्ता फ्लफी बनेगा। तो इसमें देखिए आधी कटोरी और पानी मैंने डाल दिया है। एक कटोरा सूजी और डेढ़ कटोरा पानी। तो इसे 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी रेस्ट पे। यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। यहाँ पे आलू को देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी जरा सा प्याज, जरा सा टमाटर, हरी मिर्च, जरा सा हरा शिमला मिर्च, जरा सा लाल वाला शिमला मिर्च, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। चाट मसाला जरा सा डालेंगे। और एक पैकेट यहाँ पे मैंने मैगी मसाला लिया, उसको डालूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही कम तेल में ये बन के तैयार होता है। मतलब बिल्कुल ना के बराबर इसमें तेल लगता है। आप आगे देखिएगा जब मैं नाश्ता बनाऊंगी, तेल बिल्कुल भी इसमें नहीं लगेगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता है। इस तरह से एक एक पेड़ा बनाएंगे आलू को, इसको टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह से बना के मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए सूजी को रखें तकरीबन 10 मिनट हो गया है। ये अच्छे से फूल गया है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। इसी तरह का बैठा होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। एक बार मैं इसमें कुछ सब्जियां डाल दे रही हूँ। प्याज, शिमला मिर्च लाल वाला, हरा वाला, जरा सा हरी मिर्च, टमाटर, अच्छे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डाल देंगे। कटोरी में देखिए मैंने प्लेट में तेल लगा लिया है। कटोरा प्लेट कुछ भी आप ले सकती हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी बेटर। बीच में इस आलू को रख देंगे। आलू की टिक्की मैंने जो बना के रखी थी। यहाँ पे मैंने भगोने पानी रख दिया, ऊपर स्टीलर रख दिया है। अब इसको यहाँ पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ऊपर से फिर से मैं इसमें बैटर डाल दूंगी। डाल के अच्छे से इसको कवर कर देंगे और फिर से इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और नाश्ता बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और दूसरी प्लेट को इसमें रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला रख देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बन के तैयार हो गया है हमारा नाश्ता। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए कितने अच्छे से बना है। बस मैंने प्लेट में ग्रीस करते समय जरा सा तेल लगाया था। बहुत ही यम्मी सा फ्लफी सा नाश्ता हो गया है। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितना बढ़िया बना है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है इसमें। बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता है ये। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।